नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या और उनकी साली करिश्मा टिकट की रेस से बाहर हो गई हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए जिन दो चेहरों का नाम काफी तेजी से सामने आ रहा था, उनमें एक तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय और दूसरी उनकी साली करिश्मा थी। फिलहाल दोनों टिकट की रेस से बाहर हो गई हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि तेज प्रताप यादव के विरोध में उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय को जदयू मैदान में उतार सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं तेज प्रताप यादव ने इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में अपना सीट बदल दिया है। तेज प्रताप पहले वैशाली से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार वह समस्तीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। समस्तीपुर जिला के हसनपुरा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किए हैं। तेज प्रताप यादव ने भले ही अपनी सीट बदल दी है, लेकिन उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तेज प्रताप से जब महुआ सीट को छोड़ हसनपुर से चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो तेज प्रताप ने कहा कि हसनपुर का विकास नहीं हुआ है, इसलिए हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच महुआ में विकास हो चुका है या तेज प्रताप डर के वजह से महुआ छोड़कर हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू ने महुआ सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया है। ऐसा माना जा रहा है कि यहां से इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ना तेज प्रताप यादव के लिए जोखिम भरा होता। दूसरी तरफ तेज प्रताप की साली करिश्मा, जिन्होंने लगभग 4 महीने पहले राजद पार्टी ज्वाइन किया था, वो भी चुनावी रेस से बाहर हो गई हैं। उनके दानापुर या परसा से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन राजद ने इन दोनों विधानसभा सीटों से अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दिया है। फिलहाल के लिए कयासों पर विराम लग चुका है। दानापुर सीट से राजद ने बाहुबली कहे जाने वाले रीतलाल राय को टिकट दिया है। वहीं परसा से छोटे लाल राय को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि करिश्मा ऐश्वर्या की बहन है और चुनाव लड़ने के लिए राजद पार्टी में शामिल हुई थी। हालांकि करिश्मा ने कहा था कि पार्टी उन्हें जो भी कार्य देगी वो करेंगी। तेज प्रताप का उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय से विवाद चल रहा है। ऐश्वर्या राय ने तेज प्रताप यादव और उनके परिवार पर कई आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पौत्री हैं और चंद्रिका राय की बेटी हैं। फिलहाल तेज प्रताप यादव ऐश्वर्या राय से अलग हो चुके हैं और अदालत में इन दोनों के तलाक का मामला चल रहा है। ऐश्वर्या के पिता 2015 के विधानसभा चुनाव में परसा विधानसभा से राजद विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार वह जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में इन दो परिवारों के बीच राजनीति में भी तकरार देखने को मिलने वाली है। हालांकि अगर तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या भी मैदान में होती तो मुकाबला और भी दिलचस्प होता। फिलहाल तेज प्रताप की पत्नी चुनावी मैदान में नहीं है और ऐश्वर्या की चचेरी बहन करिश्मा भी चुनावी मैदान में नहीं है। बताते चले कि इस बार राजद का कमान लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव संभाले हुए हैं और इस बार राजद बिहार विधानसभा चुनाव लालू यादव के अनुपस्थिति में लड़ रही है, क्योंकि लालू यादव चारा घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज।